السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بانهم كانت تاتيهم رسلهم بالبجنات فكفروا فاخذهم الله انه قوي شديد العقاب جيت الحمد لله رب العالمين आज दो आयात हैं सिर्फ हमने करनी जो कि आगे मोसलाम का वाक़ तफसीलन शुरू हो रहा है जो तकरीबन चौवन पचपन आयात तक जाएगा तो आज की इन आयात में कोई भी नया लफ्ज नहीं है सब पुराने हैं आगे हम देखते हैं इनमें क्या है जी तो आइए आयशा बिन से अब्दुल उम्म शुआब शाजिया खान उम्म खिजर जी सर जी, जी। उम्मे शुएब यसीरु कौन से बाप से है, कौन सा फेल है सर ये फेल है लम की वजह से और सायरा इसका मादा है और बाबे दुआ से है सारा यसीरु क्या मतलब होता है चलना फिरना या सैर करना ठीक है सो so, इतनी बात का क्या तर्जमा तर्जुमा अवलमय यु क्या न, क्या नहीं वो चले फिरे हाँ जी क्या वो नहीं चले फिरे फिर अवधि मुत्ल हो गया आप जरा तर्जुमा मुकम्मल कर दें क्या वो जमीन में नहीं चले फिरे या जमीन में उन्होंने सैर नहीं की हाँ जी पयू ओके अब्दुल अव्वल बिनते अब्दुल अव्वल ये क्या है जवाब है अमर है मुझे बताइए अमर का मुजारे दिखाइए अमर दिखाइए कहाँ पर है जिसका ये जवाब है जवाब जवाब अमर यासूरू का मज़ूम है नहीं नहीं जवाब अमर कैसे बन रहा है तो अमर कहाँ है आ, क्यों मज़ूम है ये क्यों बोलती हूँ मैं ठीक है ओके तो, तो नहीं बोलना ना हाँ जी सॉरी सीधा को आसान कर, फा को कर यसीरू फिल अर्दी क्या तर्जमा हुआ यसीरू। और क्या वो जमीन में चले फिरे नहीं के वो देखते देखे, के वो देखते के, के लिए हमें यहाँ मानना पड़ेगा फा सबबिया, ठीक है और अगर फा सबिया माने तो फिर मजूम नहीं है मंसूब है या महसूब, ठीक है क्या वो जमीन में चले फिरे नहीं कि वो देखते ठीक है या फिर बाजू कहते हैं ये फा जो है अतफ है अवलमू क्या वो जमीन में नहीं चले फिरे पस उन्होंने नहीं देखा अतफ हो गया ना तो लम्ब का भी अतफ हो गया लम नहीं के लिए यानी क्या वो जमीन में चले फिरे नहीं उन्होंने नहीं देखा ठीक है जी ओके शाजिया खान काना का इसम क्या नी. है आग की बतुलजीना कौन सा मरकब है आ, इजाफी ठीक और ये है इजाफी गुड हो गया आप मुझे बताइए कैफा क्या है जुमले में हाल काना का अच्छा जब काना की खबर मौजूद हो तो ये हाल बनता है अभी जो के काना की खबर नहीं है ना इसलिए यही खबर है मुकदम ठीक तो कैफा काना आकीबतुल्लना क्या तर्जमा हुआ कैसा हुआ अंजाम उनका जो उनका जो ओके सिला क्या है अल्लादीना का, आ, का कानू मिन ओके गुड okay, आगे चलते हैं जी तो मुझे बताइए उमिर शब कानू का इसमें क्या है सर कानू का हुम हुम है मिन कबली हिम जुमले में क्या है सर शुभ जुमला खबर ठीक है जरा तर्जुमा करें कई फा काना से लेकर कबली हिम तक कैसा हुआ अंजाम उन लोगों का कानू मिन कबलिम जो इनसे पहले थे जो इनसे पहले थे गुड सो अल्लाह सुबहाना हुआ तआला ने कुरेश की तरफ कुरेश के लिए बेसिकली बयान फरमाया कि क्या इन्होंने जमीन में क्या ये जमीन में चले फिरे नहीं क्या इन्होंने नहीं देखा कि इनसे जो पहले लोग थे उनका अंजाम क्या हुआ ये क्यों फरमाया बेसिकली ये सवाल नहीं है उनसे कि वो आगे जवाब दें जी हाँ चले फिरे हैं ये अंदाज है कि क्या तुमने खाया नहीं हालांकि आपने खाया होता है जस्ट एम्फेसिस के लिए होता है तो आ, क्यों फरमाया क्योंकि कुरेश आ, तिजारत तजारत की गर से सफर करते थे यमन के भी और फलस्तीन के भी यानी शाम के भी सफर करते थे और आ, उमान भी जाते थे मुख्तलिफ सफर ये, इनके चलते रहते थे लेकिन उनसे यह सवाल किया जा रहा है कि क्या उन्होंने ये जो जमीन में चले फिरे हैं तो क्या उन्होंने देखा नहीं गौर नहीं किया चीजों पर अब अब देखिए जब हम जमीन में हम तजारती गशाह तो मतलब करना चाहिए ना उम्मे शोए जी सर अभी मैं अगर मिसाल के तौर पर कहीं चला जाऊं और पुरानी बिल्डिंग हो मैं उसको देख के क्या कहूँ यहा बड़ी खूबसूरत बनाई है ऐसे ही जी के उसकी नहीं, के तारीफ भी और देखेंगे तो पता चलेगा ना। नहीं। से. मेरा काम एक मुसलमान का काम क्या है क्या वो सिर्फ इमारत की वो... तारीफ करे जाकर अगर, नहीं सर, अगर मैं स्पेन वो गया वो हूं के... और मैंने मस्जिद करतुबा देखी है तो मैं जाकर वहाँ क्या वाह क्या खूबसूरत पिलर्स हैं क्या खूबसूरत मेहराब है बल्कि नहीं मुझे इबरत पकड़नी है जी सर यूं समझ लीजिए इस आयत में अल्लाह आला की तरफ से हमें एक इशारा भी है कि हमें ध्यान रखना चाहिए गौर करना चाहिए इबरत पकड़नी चाहिए समझना चाहिए हमें गौर करना चाहिए ये क्या हुआ क्या था क्या हो गया फिर उन इस्बाब पर गौर करना चाहिए वो कौन से इसबाब थे कि ये सब हुआ ताकि हम उनबाब पर ना चल सके तो ये उनको इशारा किया जा रहा है कुरेश को कि वो शाम भी जाते हैं बैतुलम भी जाते हैं वो यमन भी जाते हैं मिस्र के रास्तों से गुजरते हैं फिर और हाल भी उनको पता है कौम आज समूद के इलाके तो इनके अपने ही थे तो उनके पुराने घर देख के भी इनको इबरत नहीं आती कि पिछली कौमें क्यों तबाह हो गई थी आखिर वहां जाके बंद, चले बंदे को ना पता हो पूछ ही सकता है ना कि यार ये इमारत किसकी थी ऐसे ही ना जी सर ना पता हो क्या? ये समझ ले कि ये पुराना दौर था तो अब मैं सफर पर तजारत पर जा रहा हूं शाम मैंने मिसाल के तौर पर वहां कोई पुराना टूटा महल देख लिया तो वहां के रहने वालों से पूछना तो चाहिए ना मुझे यार ये किसका महल था तो वहां तो जानते होंगे ना लोग मुझे बताएंगे ये किसका था यहाँ कौन था फिर मैं सोचू बैठ के आखिर क्या हुआ इतना मजबूत महल बनाकर ये बंदा कहाँ चला गया तो ये वो बात से... है तो हमें हम जब भी इस तरह के सफर करें हम... हमें सोचना चाहिए रसोल्स जब एक बार तबूक के सफर पर तशीफ ले जा रहे थे गजबा के लिए तो रास्ते में आदोसम की जो बस्ती आई थी तो आप वहाँ वहां से आप शदीद तो खौफ की हालत में वहां से गुजर गए थे क्यों क्योंकि आपको तो मालूम था ना कि ये वो बस्ती है जहाँ कौम पर आजाब आया था तो आप डरते रोते हुए गुजर गए मालूम है ना उम्म शोए जी सर तो आज वहां क्या हो रहा है ये भी मालूम है जी सर कुछ कुछ मालूम है क्या मालूम है बताइए शेयर करें सर यही कि अब पे मतलब नए दौर की जो जो उनके नए सरबरा है वहाँ पे बिल्कुल एंटरटेनमेंट्स की चीजें इस तरह लोग वहाँ पे जा रहे हैं जी सर सरबरा का नाम क्या है सर ये सलमान मोहम्मद इब्न सलमान सलमान तो बेचारा बूढ़ा खपट हो गया उसको तो कोई पूछता भी नहीं है को तो, तो बंद कर, बाँ, को भी बंद कर दिया कितने अफसोस की बात है सऊदी अरब में शराब नहीं मिलती लेकिन वहां मिलती है ये बात मालूम है आपको नहीं सर मैं आज सऊदी अरब में ऑफिशियली कहीं शराब नहीं मिलती लेकिन वहां मिलती है आजकल क्यों वहां इन्होंने एंटरटेनमेंट सिटी काम कर दिया है वहां इन्होंने पूल स्विमिंग स्विमिंग पूल्स बनाए हैं जहां से ये बाहर के लोगों को बुलाना चाह रहे हैं कि जो कुछ दुबई में हो रहा है वो तुम तो यहाँ आके करो न? इन बस्तियों में करो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया देखिए वहां पर क्या था और सहाबा को क्या हुक्म दिया था आपने जहां से जल्दी से गुजरो साहबा ने क्या किया था जिससे आपको मना किया था आपने मना किया था उन्हें पे रुक के कुछ खाने पकाने का पानी तो पानी, पानी भी लगे थे तो आपने फरमाया पानी गिरा दो सोचिए बिल्कुल बिल्कुल जहां वसल्लम ने पानी भी गिरवा दिया वहां आज आप वसल्लम की सरजमीन पर रहने वाली साहबा की नस्लों के लोग ही क्या कर रहे हैं वहां उन्होंने इंटरटेनमेंट सिटी काम कर दिया है जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने से भी मना किया कि जाओ तो रोते हुए जाओ आज क्या करते हैं जाओ तो साज बजाते हुए जाओ पियानो बजाओ साइरन बजाओ साइरन क्या कहते हैं उसको जो कंधे पर रख के बजाते हैं ये अब वहां ये बजते हैं देख लीजिए दुनिया कहाँ जा रही है किधर को मामला चल पड़ा है अल्लाह हम पर रहम फरमाए और उनको हिदायत ता फरमाए हमें भी हिदायत ता फरमाए ओके जी आगे चलते हैं ये आयत पर थोड़ी सी बात करनी इसीलिए जरूरी थी ताकि हम इन चीजों को जहन में बिठा सकें जी आइये बिन से मुनीर उम आफाक बिन से उबैदुल्ला जी, जी उम्म आफाक कानू हम अशद कोवतन मुझे बताइए अशद मंसूब क्यों है सर यह खबर है इसलिए वेरी गुड जी तो बिन से उबैदुल्ला मुझे बताइए कानू के बाद जो होम है ये क्या है ये आ, फसल वेरी गुड ये फसल है कानू का क्या है हुम। हुम, okay. अच्छा जमीर फसल असल में तो दो मार्फा इस असमां के दरमियान आती है ऐसे ही है ना जी ठीक है यहाँ क्या हुआ ने. यहां इसमें हुम जमीर वो इसमें है, ठीक है जो इसका इसमें और ये खबर है तफजील है लेकिन ये है है ठीक है ना असूलन तो इस पर अल लगना चाहिए इस पर अल की ममानियत मिनहुम की वजह से हो रही है कि आगे कंपैरिज़न में आ रहा है ठीक है अशद मिन हम ये मिनहुम की वजह से ये मोरफा का किरदार अदा कर रहा है अल की जरूरत नहीं पड़ रही और अल के लिए रुकावट भी है अल अशद नहीं हो सकता ओके जी, जी। मुझे बताइए शदीद वो, 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 वो थे की की वो अब देखते हैं है किस मामले में कुवतन मंसूब है और है। ये दोनों आसारन ये, ये तो हाँ, बनिर असर की जमा है ओके तो आप बताइए क्या तर्जमा हुआ कानू हम कुन फिल अर्दी आसारन की शिफ्ट कर लीजिए आप तर्जुमा कीजिए वो قوت में उनसे ज्यादा सख्त है और जमीन में आसार आसार और इनके जो निशानात और असरत के हिसाब से हाँ जी वो जमीन में قوت के हिसाब से और जमीन में आसार के हिसाब से इनसे ज्यादा सख्त ज्यादा ताक़त क्या मतलब है इस बात का बिनते मुनीर वो यानी तमीरात में ज्यादा वो ताकतवर थे कि उनकी अगर पिछले को देखो तो वो काफी, पीछे जैसे थी, थे, उनकी काफी थी ना हाँ जी आप देख लें उन्होंने जो पहाड़ों में घर बनाए हुए है बड़ी हाँ, भारी भरकम मशीनरी चाहिए बंदा नहीं बना सकता उन्होंने बगैर मशीनरी हाथों से जैसे हेकल को भी देख लें तो यकीन नहीं आता कि ये एक इंसान से ना सकता है नहीं आप अंदाजा कीजिए ताकत का पहाड़ के अंदर घर बनाना और आप उनकी तस्वीर देखें ना जो तो, जो घर बने हुए हैं बकायदा वहां पर बेड भी बना हुआ है सोफे भी बने हुए हैं दरवाजे तो इतने ऊंचे ऊंचे हैं खैर वो तो, तो कद भी बड़े थे लेकिन पहाड़ को इस तरह से खोदना आसान नहीं है आजकल मशीनें मशीनें भी जवाब दे जाती है उनको भी बड़ा ख्याल करना पड़ता है कि उनके वो जो कुरेदने वाले होते हैं वो खराब हो जाते हैं ताकतवर असर, असर थे कि वो अपने असर जमीन में छोड़ चुके हैं उनके असर देख लें और ये जो तो कुरेश के सामने बात हो गई ना हमारे सामने भी वही मौजूद है मिसर के जो अहराम मिसर है अंदाजा कर लीजिए ना वो हमारे सामने फिर उनके जो कारनामे थे हमारे सामने मौजूद हैं, के मौजूद हैं और नुँ। उसके बाद के जो हमसे पहले थे उनके निशान भी तो मौजूद है ना रोमी रोमियों के निशान मौजूद है सुपर पावर थी पारसियों के निशान निशान मौजूद है लेकिन सब गए और आज की हमारी नस्ल के लिए भी ये आयात अप्लाई होती है देखने ये सारी हम्पायर कितनी ताकतवर थी ना सब चली गई तो इन निशानात को देखकर इबरत हासिल करनी चाहिए कि आखिर ये इतने ताकतवर थे कहाँ गए अभी एक पैलेस देखा वहां पे हमने गर्नाता में था दारुल हौरा कहलाता है यानी हूर का घर दारुल हाउरा वो ये जो उस वक़्त की मुस्लिम यानी जो शाही खानदान था उनकी खातिन के लिए था किसी बड़ी खातून के लिए था तो दारुल हौरा था छोटा सा लेकिन बहुत खूबसूरत उसकी जो बनावट उसका जो अंदाज उसमें जो खिड़कियां उसका जो स्पेशली जो यानी एक आदमी की ख्वाहिश होती, होती है ना मेरा पहाड़ के ऊपर घर हो वहां से मेरे सामने सीन नजर आए हर आदमी की यही तकरीबन होती है ना खासतौर पर लोग जब होटल कहीं जाकर लेते हैं तो वो व्यू के चक्कर में होते हैं तो उन्होंने वो पैलेस पहाड़ों तो के हिसाब से, 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 से बनाया बंदा देख के हैरान हो है लेकिन आखिर वो दारुल हौरा में रहने वाली कहा गई आखिर ईसाइयों ने उनको आगे धक्के तो देकर निकाल दिया ना सोचने की बात है आखिर वो के आप चढ़े कैसे अपने कारनामों की वजह से चढ़े तो एक जगह जहां हम बिल्डिंग्स को देखते हैं वहां जाके हम फिर ये भी सोचते हैं कि यहाँ रहने वालों को हुआ क्या था अगर कहाँ गए और क्यों गए ओके जी तो अल्लाह सुभान व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए आगे चलते गुड माशाल्लाह उम्मे आफ़ाक فاخذهم الله بذुनوبهم एक्सप्लेन कर दें जी सर जी फातफे اخذنا यु हिजई आल से है फेलि नाज़ि है या खुज़ू होता बाब नून से सॉरी अच्छा जी

मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ खुद एक्सप्लेन करता हूँ फिर बाद में बात करते हैं क्लास के एंड पे मानफी का का काना वाकिन मिन ज़ायदा वाक बचाने वाला इसम कान मिन वाक और उन्हें अल्लाह से बचाने वाला कोई नहीं था आगे चलते हैं लास्ट आयत